नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देशभर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1334 नए मामले और 27 की मौत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर औद्योगिक विनिर्माण, कृषि और मनरेगा से जुड़े फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए जारी किए मानक परिचालन प्रक्रिया। राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा कि राजधानी क्षेत्र ईटानगर में सब्जियों और फार्म उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं आवश्यक कदम। राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त ने असम के रेड और ऑरेंज जोन के जिलों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से हरी सब्जियों की आपूर्ति को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को मिल रहा है फ्री राशन और एलपीजी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की अग्रिम राशि किसानों के खातों में पहुंचने से उन्हें मिली राहत। देश भर में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,712 हो गई है, जबकि 507 लोगों की इस महामारी से अब तक मौत हुई है और 2,231 रोगी स्वस्थ हुए हैं। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,334 नए मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की बीमारी से मौत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया है कि आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के भीतर औद्योगिक विनिर्माण, कृषि और मनरेगा से जुड़े फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई है। लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक मजदूर की अंतर्गत अंतर्राज्यीय गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थानीय प्रशासन राहत और शरणार्थी शिविरों में रह रहे मजदूरों का पंजीकरण भी करेगा। मजदूरों की स्किल मैपिंग भी की जाएगी, जिससे उन्हें उचित कार्यस्थलों पर भी भेजा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मजदूरों को निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की अनुमति होगी। संख्या 15,712 है। लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। विच टेक्स आर टोटल डेथ टोल टू 507 डेथ सो फार। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द टू अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमारा एफर्ट है कि हम धीरे धीरे नॉर्मलसी को रिस्टोर करें, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जान भी है जहान भी है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि हम किसी भी तरीके से इसमें फेल ना हों। कोविड-19 के कंटेनमेंट से रिलेटेड हमारे एफर्ट्स में एक दूसरा चैलेंज है कि जब हम रिस्टोर कर रहे हैं सर्विसेज को, तो हमसे कोई गलती ना हो। जहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है, वहाँ 100% यह एफर्ट होना है कि वो सिचुएशन को मेंटेन रखें, केसेस को बढ़ने ना दें। ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट्स, क्लस्टर्स, कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं और जिनमें कई गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, वहां सावधानी बरतना है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि छूट वास्तविक परिस्थितियों का सही से आंकलन करके ही दी जाए। राज्य के कृषि, बागवानी और पशुपालन मंत्री तागे ताकी ने कहा कि राजधानी क्षेत्र ईटानगर में सब्जियों और फार्म उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में सब्जियों की आपूर्ति सामान्य है। श्री तागे ताकी ने कहा है कि बोमडीला, तवांग, जीरो, याजुली, सागली सहित सब्जी उत्पादक क्षेत्रों से राजधानी ईटानगर के लिए सब्जियों और अन्य फार्म उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है। हमारे यहाँ इन एंड अराउंड में गवर्नमेंट फार्म भी है, उसको भी मोबिलाइज करने में ये सेलिंग प्रोसीजर्स का प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं हो पा रहा था। अब रियलाइज हुआ है हम लोग को। फिर भी हम लोग ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स का सब्जी और का ये कॉम को हम लोग सारा डिस्ट्रिक्ट को बोला है कि आप लोग को रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद जो जो सप्लाई है हम लोग को यहाँ भेज देना चाहिए। इसीलिए पिछले 5-6 दिन में हम लोग पूरा मोबिलाइज करके बोमडीला, तावांग से, सेप्पा से, सागाली से, याजाली से, जितना हो सके हम लोग सरप्लस आइटम को जो जो असम पार किए बिना यहाँ तक पहुँच सकते हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इंक्लूडिंग
जंगल में जो पत्ता सब्जी और आधा सब्जी जो जरूरी है उसको भी कलेक्शन करके हम लोग अभी धराधर अभी दे रहा है APMC का थ्रू मैनेज कर रहा है। इधर राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त कोमकर दुलोम द्वारा जारी एक आदेश में असम के रेड और ऑरेंज जोन जिले को छोड़कर गोहपुर, विश्वनाथ चाराली, सोनितपुर सहित कई अन्य जिलों से सब्जियों की आपूर्ति की अनुमति दे दी गई है। जिला प्रशासन ने होलोंगी चेक गेट के इंचार्ज को इन इलाकों से हरी सब्जियों की आपूर्ति अनुमति देने को कहा है। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्य असम में गोलाघाट, नलबारी, धुबरी, ग्वालपारा और मोरीगांव जिला रेड जोन में है, जबकि साउथ शालमारा, नॉर्थ लखीमपुर, कामरूप, काछार, करीमगंज, कामरूप मेट्रो, हाइलाकांडी जिला ऑरेंज जोन में है। होलोंगी चेक गेट के प्रभारी मुदा तामो ने कहा है कि जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार हरी सब्जियों की आपूर्ति के लिए ये कदम उठाए गए हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स का इंपोर्ट मना है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी सेफ माना जा रहा है वहाँ से परमिटेड है, फिर भी जो अलाउड है उसमें भी हम लोग जो COVID-19 का SOP है उसको फॉलो कर रहे हैं और जितना वेजिटेबल वो व्हीकल्स है उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, उनका ड्राइवर और एक हेल्पर को ही परमिट कर रहे हैं, जो भी गाड़ी आना जाना हो रहा है वो एसेंशियल सर्विस परमिट्स के साथ ही आना जाना। अच्छा लग रहा है, 20 रुपया एक गाड़ी दे रहा है, इसी दिन तो 50 रुपया दे रहा था ना एक गाड़ी का, आज तो 20 रुपया में एक गाड़ी मिला, बहुत अच्छा लगा। तो हमको परमिट मिलने के बाद में इतना खुशी हुआ है, हम अभी चलने के मतलब बहुत अच्छा हुआ है, अभी चल सकते हैं, मतलब थोड़ा बुरा जो भी मिलने से बड़ा एक दो तो मार गया तो उसमें से हमारा परिवार चला सकता है। इतना क्या क्या आप सप्लाई ये कर रहे हैं? ये अब सब्जी है, आपका गर्म हल्का आइटम है वही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एक कारगर उपाय है। इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन पुलिस स्टेशन और पासीघाट के 2 माइल में हैंडवाश पॉइंट लगाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बनाए गए हैंडवाश पॉइंट से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने के साथ ही उनमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक जागरूकता पैदा हो रही है। हम लोग काफी संतुष्ट है, बहुत सेटिस्फाइड है, यहाँ जितने भी लोग आएंगे जाएंगे इसे और बाहर से जितने भी लोग आएंगे, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज अभी लॉकडाउन के दौरान भी जो लोग एग्जेम्प्टेड है, ये एसेंशियल कमोडिटीज वाला गाड़ी तो ग्रोसरीज हो गया, ये कुछ कुछ गाड़ियाँ बहुत चल रहा है अभी, तो ये लोग बाहर से जितने भी ड्राइवर्स आते हैं, हाँ हम लोग सैनिटाइज तो करते हैं गाड़ी का, सैनिटाइजेशन अच्छा से कराता है, देखा फिर ड्राइवर लोग हाथ यहाँ हैंड वॉश के लिए, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे लगाया है। एडवांटेज ये है कि हम लोग को हाथ टच करने जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ पाँव से करना पड़ेगा। कोरोना से हम लोग लड़ने के लिए हम लोग का एक दो ही मंत्र है, वो सोशल डिस्टेंस 1 मीटर हम लोग मेंटेन करना पड़ेगा, और जब भी ये होता है बाहर से आता है या कहीं में जाता है तो हम लोग का हाथ कंटिन्यू हाथ धोना पड़ेगा। असम में प्रवासी मजदूरों के ठहरने और खाने पीने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। सभी जिलों में प्रशासन ने लॉकडाउन से प्रभावित दैनिक मजदूरों पर निर्भर कामगारों के लिए राहत शिविर स्थापित किया है, जिनमें उनके लिए स्वास्थ्य की देखभाल और भोजन की व्यवस्था की गई है। कामगारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से उन्हें इस मुश्किल घड़ी में न केवल ठहरने के लिए छत मिली है बल्कि उन्हें रहने और खाने पीने के लिए चिंता से भी मुक्ति मिली है। देखा हुआ टेंट बना रहे, रेड क्रॉस टेंट बना दिया और उनका भी हमको हाइजीन के दे दिया, रेड क्रॉस तरफ से उनका वो कपड़ा भी दिया, ब्लैंकेट दे दिया, टॉवल दे दिया, मॉस्किटो नेट दे दिया, ये सब रेड क्रॉस प्रोवाइड किया। हम लोग बेंगलोर से आया और बेंगलोर से गुवाहाटी में आया था। तो बेंगलोर में क्या करते थे? बेंगलोर में हम लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो वहाँ से आपको भेज दिया या खुद आए? नहीं, हम लोग दुकान बंद हो गया इसलिए हम लोग आया। गुवाहाटी से थको भाड़ा घर काम गेसिल बनीहाट 17 माइल ताते आम काम करते लकडाउन हो गल, तार लकडाउन बंद थी एटा बेमार हल लगरे मिस्त्री एटा तक ताते राखी राखी आम 3-4 दिन मैं इने थो तक क्या हेरी मेडिसिन पा ना क्या ना तार कल खोजकाढ़ी आई जोराबाद लो। त्रिपुरा के राजधानी अगरतला में COVID-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नियमित सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। अगरतला नगर पालिका परिषद पूरे नगरीय क्षेत्र में वायरस रोधी दवाओं का छिड़काव कर रही है।
परिषद द्वारा डोर टू डोर कोविड 19 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक बनाकर इस महामारी पर नियंत्रण किया जा सके। अब तक त्रिपुरा में कोविड 19 संक्रमण के 2 मामले आए हैं जिनमें से 1 रोगी स्वस्थ हो चुका है। राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो रहा है। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनमें इन नियमों को लेकर लोगों में गंभीरता की कमी नजर आ रही है। पेट्रोल पंपों और बाजारों में कई उपभोक्ताओं द्वारा एक निर्धारित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन न करते हुए जल्द सामान लेने के लिए भीड़भाड़ करना चिंता का विषय है। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क लगाना अनिवार्य बनाए जाने के बावजूद बहुत से लोग बिना मास्क लगाए ही नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ राज्य के लोअर दिबांग वैली जिले के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को मिल रहा है। कोविड 19 महामारी के चलते देशभर में जारी लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों को 3 महीने के लिए सरकार द्वारा घोषित राशन मिलने से उनकी मुश्किलें कम हुई है। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में उचित मूल्य के राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए बड़ी संख्या में लाभार्थी चावल लेते हुए दिखे। वेस्ट सियांग जिले के आलो में भी किसान सम्मान योजना की अग्रिम राशि मिलने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। दे रहा है जिसमें मैं अप्रैल से लेकर जून तक एक साथ में 3 महीने का मैं इसी कर रहा हूँ। पहले जो बीपीएल का 1 केजी में 3 रुपये थे, जो 3 रुपये में जो आपका जो हफ्त केजी में 90 रुपये देखो पे लेके आते थे, लेकिन आज 3 महीने का 90 केजी का फ्री फ्रिज मिल रही है, तो इसलिए हमारे आम आदमी जनता को बहुत खुशी है। तो बहुत बहुत खुशी की बात है, हमारे आम जनता को जितना दुखी थी तो उसका भरपाई किया है गवर्नमेंट को, मैं उसको बहुत आश्वासन देता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। तो पीएम किसान का इतना ये पैसा दिया है तो हमको 3 इंस्टॉलमेंट का हम पूरा मिल चुका है, तो इसलिए मैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना ये स्कीम दिया है उसको हम बहुत अच्छा लग रहा है मेरा तरफ से। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट नगरीय क्षेत्र में लॉकडाउन से प्रभावित कामगारों और कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन का वितरण किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए चल रहे लॉकडाउन के दौरान मिल रही फ्री राशन से कामगार और गरीब एवं कमजोर वर्ग के परिवारों को राहत मिली है। वे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। चालू का लिए ना सरकार बोला फ्री में दे रहा है, जैसे वो बीपीएल कार्ड है ना हम लोग का, तो मैंने पहले में तो जैसा दे रहा था ना ऐसे हम लोग को मैंने फ्री में दे रहा है वो बीपीएल कार्ड क्या बोले हम लोग को, सरकार मैंने बहुत हेल्प कर रहा है लॉकडाउन का वजह से। दीपांगा में पेश था हम लोग जो मोदी सरकार ये लोग को गरीब लोग को चावल फ्री देने के लिए यहाँ में ये अनुरोध कर दिया, हम लोग इसको आज बात रहा है जैसे उन लोग का कार्ड में है ऐसे नॉर्मल हम लोग दे रहा है, और अभी तक आउट ऑफ 260 समथिंग कार्ड है AY और BPL। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया के खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा, नमस्कार।